दोस्त, बहुत सारे लोगों के मन में एक डाउट होता है कि कंपनी का जो फीडबैक होता है फ्रॉम मैनेजर, और जो आप रेफरेंस में कुछ कांटेक्ट नंबर देते हो, लाइक अपने फ्रेंड्स के या फैमिली के, उनसे एक रेफरेंस चेक आपका होता है एंड एक फीडबैक होता है। तो बेसिकली एक्चुअल में उसमें होता क्या, हम उस पर डिस्कस करेंगे। तो देखो दोस्त, यहाँ पे फीडबैक जो आपका होता है, आप एचआर का कांटेक्ट नंबर देते हो या मे बी हो सकता है आप मैनेजर का कांटेक्ट नंबर दे रहे हो, तो उस केस में क्या होता है कि जब आप फीडबैक के लिए उनका कांटेक्ट नंबर ईमेल आईडी देते हो, तो आपकी प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन को वो कॉल करते हैं। कॉल करने के लिए क्या होता है, उनके पास बहुत सारे कॉन्टैक्ट नंबर होते हैं। कॉल करने के लिए कुछ पॉइंट्स होते हैं जो उनको क्लैरिफाई करने पड़ते हैं आपके प्रीवियस मैनेजर से या आपकी प्रीवियस एचआर से, जिसमें कुछ पॉइंट्स ये होते हैं कि आपका बिहेवियर कैसा है, आप काम करने में कैसे हो, आप टाइमिंग के लिए कैसे हो, मीन्स पंचुअल हो कि नहीं हो, मीटिंग्स वगैरह के लिए आप कैसे हो। ये बेसिकली उसमें होता है जब किसी आप हाई प्रोफाइल में ज्वाइन कर रहे हो तो। बट नॉर्मल आपका जो बैकग्राउंड वेरिफिकेशन होता है फीडबैक के लिए, वो आपका होता है कि आप काम करने में कैसे हो और आपका ऑफिस रूटीन कैसा है। तो नॉर्मल वो फीडबैक होता है, बट इससे आपकी जॉब का इतना बड़ा इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। कई बार क्या होता है कि आप मैनेजर से मिसबिहेव करके, एचआर से मिसबिहेव करके कंपनी छोड़ के आते हो, या कई बार ज़बरदस्ती वो चीज़ वहाँ पे हो जाती है जो कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से इलीगल होती है, कंपनी रूल्स के अगेंस्ट होता है। उस केस में भी ये प्रॉब्लम्स आती हैं फीडबैक के लिए। तो ये नहीं है कि आपकी जॉब चली जाएगी, बट हाँ इतना जरूर है कि अगर आपका पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है, आपका पॉजिटिव फीडबैक होता है, तो वो कंपनी के लिए आपका जो एक तरीके से आपकी जो वैल्यू होती है, आपका जो फेस होता है, वो कंपनी के लिए रिकॉग्नाइजेबल होता है एंड वो एचआर या आपके मैनेजर को बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, क्योंकि आपके फिर बैकग्राउंड वेरिफिकेशन वो ग्रीन हो जाता है, ओके हो जाता है। बट हाँ, अगर आप किसी एक मल्टीनेशनल और बिग ब्रांड से आप छोड़ के जा रहे हो और फिर बिग ब्रांड से आप ज्वाइन कर रहे हो, TCS हो गया, इन्फोसिस हो गया, डेलॉयट जैसे ब्रांड जो होते हैं, उनसे अगर आप छोड़ के जा रहे हो, वहाँ के अगर मैनेजर ने या एचआर ने फीडबैक दे दिया, तो हो सकता है थोड़ा बहुत कुछ फर्क पड़े, बट ये नहीं कि आपकी जॉब चली जाएगी अगर रॉन्ग फीडबैक हो गया, तो ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं होती है। थोड़ा बहुत जरूर फर्क पड़ता है। नेक्स्ट कंपनी अगर आपकी ये इनमें से कोई एक कंपनी होती है, डेलॉयट जैसे या इन्फोसिस TCS जैसे, तो हो सकता है आपको एक जस्टिफिकेशन वापस से देना पड़ जाए बैकग्राउंड वेरिफिकेशन की कंपनीज को या जिस कंपनी में आप जा रहे हो वहाँ की एचआर को। एंड रेफरेंस चेक में क्या होता है, बेसिकली रेफरेंस चेक आपका फ्रेंड्स के पास कॉल करते हैं और उसमें पूछते हैं कि आप इनको कब से जानते हो, करेंटली वो कहाँ रह रहे हैं, थोड़ा बहुत बिहेवियर के बारे में। लेकिन जो मेन दो पॉइंट होते हैं वो यही होते हैं कि आप इनको कैसे जानते हो और कब से जानते हो और कहाँ बंदा ये रहता है या आपके साथ बिहेवियर कैसा उस बंदे का। तो नॉर्मल पॉइंट होता है, इससे ज़्यादा उसको फर्क नहीं पड़ता, बस एज ए रेफरेंस वो लेते हैं ताकि हाँ आप जो कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह शेयर करते हो वो एचआर के रेफरेंस के लिए भी होता है आपके डेटाबेस में, नहीं बोलते जो इमरजेंसी कॉन्टैक्ट होता है, तो वहाँ पे फादर्स का भी कॉन्टैक्ट नंबर होता है, आपके मदर्स का भी कॉन्टैक्ट नंबर होता है, तो वहाँ पे क्या होता है आप जो डिटेल देते हो एचआर के डेटाबेस में भी होता है। फादर्स में अपोस्ट्रॉफी एस है, मतलब पिता का, मदर्स में मदर का, मल्टीपल मत समझ लेना यहाँ पे। तो ये आपके एचआर डेटाबेस में डालने के लिए वहाँ पे होता है। एंड एक और तरीका होता है जो थोड़ा सा इलीगल है, अगर आप चाहो तो उनका नंबर नहीं दे सकते, बाकी मोर क्लैरिफिकेशन के लिए आप मुझे 1-to-1 कांटेक्ट कर सकते हो व्हाट्सएप पे। मैं वहाँ पे आपको ओवर कॉल डिस्कस करता हूँ एज अ कंसल्टेंट, बट वहाँ पे चार्जेबल कॉल होती है। मेरा नाम है शुभम, मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव अ ग्रेट मोमेंट एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग।